गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, MKH मोटर ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर और कार ट्रेनर। तो दोस्तों, मैं आज ये आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो गाड़ी सीखने के लिए आते हैं, तो कोई स्टूडेंट जब गाड़ी चलाते हैं तो एक अलग सा डर होता है, और डर हर तरह का होता है। जैसे कोई गाड़ी चलाता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो वो घबरा जाते हैं और गाड़ी को लेफ़्ट की तरफ लेते हैं, मतलब पैनिक हो जाते हैं और लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। या किसी को डर जो है गाड़ी को स्पीड भगाने से होता है, क्लच को छोड़ते नहीं गाड़ी स्पीड देते हैं, लेकिन जैसे गाड़ी स्पीड जाती है तो स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा झिझक हो जाती है। या कभी जैसे हम लोग ही जो है कंट्रोल कर लेते हैं तो सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, मेरे को स्टीयरिंग अभी तक कंट्रोलिंग नहीं आई है। और तीसरा क्या होता है कि गाड़ी चलाते चलाते जो है अचानक जो है रेस दबा देते हैं, क्लच की जगह जो है रेस दबा देते हैं, घबरा जाते हैं। और कुछ लोग जो है मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, डर ऐसा है जिससे डर के जो है गाड़ी चलाने का जो उनका जो शौक होता है, जो जुनून होता है, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मतलब वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो है कुछ लोगों को जो ब्रेक मारने में प्रॉब्लम होता है, जैसे गाड़ी जब चलाते हैं ठीक है, क्लच के ऊपर पैर होता है और एक पैर जो है राइट वाला पैर जो है एक्सीलेटर और ब्रेक, लेकिन कुछ लोग जो है एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, ब्रेक को टच ही नहीं करते हैं। तो कोई जो पैडल होता है जैसा क्लच का और ब्रेक का और एक्सीलेटर और ब्रेक, इस पर अपना पैर टच रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, महसूस होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के ऊपर पैर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको बताता हूँ मैं, जैसे अब ये ब्रेक है और ये क्लच है, तो अब ये ब्रेक का जो आपको दबाना है, बताएंगे मेरे आपको अफसर बताएंगे, बताइए ब्रेक और क्लच, ये क्या है, ब्रेक और ये क्लच है और एक्सीलेटर किधर है, एक्सीलेटर, हाँ वो एक्सीलेटर है। तो राइट वाला पैर एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों कंट्रोल करना है। कैसा कंट्रोल करना है, ऐसे। नहीं नहीं, ये क्लच है वो वाला राइट वाला पैर, हाँ ये पैर सिर्फ क्लच के लिए, हाँ वो पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सीलेटर और ब्रेक ये दोनों को रियलाइज़ होना चाहिए। आप जब पैर रखते हो ब्रेक के ऊपर तो टच फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैर हवा में रखने का, ऐसा नहीं है ठीक है। और जब गाड़ी आप चलाते हो, जैसे टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट पे जितना हो सके फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाए, क्लच और ब्रेक कंट्रोल करते हुए चलाए ठीक है। और गियर चेंज करने का जो आसान तरीका अभी आपको अफसर बताएंगे, फर्स्ट गियर कैसा डालेंगे बताइए आप अफसर, हाँ सेकेंड कैसा डालेंगे, सेकेंड गियर हाँ देखिए, ये जो बच्चे ने बताया फर्स्ट गियर बराबर ऐसे ही जा रहा है सीधा, फर्स्ट गियर कैसा जा रहा है, ये देखो ये फर्स्ट गियर सीधा जा रहा है और सेकंड गियर डायरेक्ट नीचे आ रहा है। वापस डाल के बताओ, फर्स्ट गियर सेकंड डालो, दिया तो फर्स्ट के नीचे बिल्कुल सेकंड है। आप थर्ड गियर डालिए, थर्ड गियर, तीसरा गियर डालो, तीसरा, चौथा गियर, आराम से ये तीसरा गियर हो गया, चौथा गियर डालो, पीछे लो ये चौथा गियर। अभी डालेंगे रिवर्स गियर कैसा डालेंगे आप, रिवर्स, हाँ बच्चा है थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही है। तो रिवर्स गियर डालने का जो आसान तरीका ये है, बताओ कैसे रिवर्स गियर डालने का, हाँ ये रिवर्स गियर है ठीक है। कि देखो फर्स्ट और सेकंड तीन और चार के बीच में ये होता है अपना डंडा होता है, तीन और चार के बीच में गियर होता है। तो फर्स्ट गियर डालने के लिए यहाँ प्रेस करना है, आगे लेना है, सेकेंड डालने के लिए यही प्रेस करते हुए पीछे लेना है, थर्ड के लिए एक मिनट सीधा लेना है, और ये चौथा गियर, और पांच रिवर्स गियर डालने के लिए अपनी तरफ यहाँ खींचना है और रिवर्स ठीक है। तो गियर का दो तीन सिस्टम है, इसको ध्यान से रखना है, उसको ध्यान से गियर डालना है, फर्स्ट सेकंड गियर का जो पोजीशन है ना, फर्स्ट गियर का पोजीशन और रिवर्स गियर का पोजीशन, उसको ध्यान रखेंगे तो बराबर जो है प्रॉपर आपका गियर गिरेगा। और गाड़ी चलाने के लिए गलती होती है, रास्ते में आप चले गए, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं बाहर जा रहे हो, रास्ते में चले गए, कहने किसी का धक्का तो लगेगा ही, सेम उसी तरह गाड़ी का है। तो घबराना नहीं है, गाड़ी चलाना है और हिम्मत करना है, हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप गाड़ी चलाएंगे। और मेरे हर स्टूडेंट से और जितने भी जो दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिल में गाड़ी चलाने का शौक़ है और आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस शौक़ को बरकरार रखें, प्रैक्टिस कीजिए गाड़ी चलाने के लिए। और बहुत से ऐसे वीडियो है जो ट्रेनिंग स्कूल के, जैसे मेरे वीडियो है, मेरे एक दोस्त है, दोस्तों उन्होंने बनाया नहीं, मैंने खुद उनको दोस्त बनाया हूँ, राहुल मित्तल, लखनऊ के,
तो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा ट्रेन करते हैं, राहुल मित्तल भी अच्छा बताते हैं, तो उनकी वीडियो देखें, राहुल मित्तल के जो है वीडियो देखें, एक एक पॉइंट बताते हैं वो, तो उन सबको सीख के ना अपने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, प्रैक्टिस को बंद नहीं करें, ठीक है। तो मेरे हर दर्शकों से, मेरे जितने दर्शक हैं, मेरे जितने ऑडियंस हैं, मेरे जितने स्टूडेंट हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने शौक़ को मारो मत, गाड़ी चलाना सीखो। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अपने दिमाग को, दिमाग एक बार सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक गियर लगेगा, ऑटोमेटिक जैसा भी कोई डेली का आप रूटीन करते हो, सुबह उठना, ये जो काम ऑटोमेटिक हो जाता है ना, उसी तरह जब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा ड्राइविंग का ना, बेटा मत करो, एक बार ड्राइविंग का जब सेट हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका गियर गिरेगा, ऑटोमेटिक गाड़ी टर्निंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो गाड़ी बराबर लेवल में हो जाएगी, और ऑटोमेटिक जो है आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, अगर गाड़ी आप नहीं चला रहे हो तो कम से कम वीडियो देख कर इसको रिवाइंड करते रहो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना वक्त देने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो जिसका जो डर है, डर एक ही चीज़ का नहीं होता है, डर हर तरह का होता है, तो डर को निकालने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग का सुबह सुबह वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।